हेलो बच्चों, आज हमारे ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का पांचवा लेक्चर है और इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि अगर हम किसी इक्वेशन के रूट का नेचर चेंज कर दें तो उसके हिसाब से ओवरऑल इक्वेशन कैसे चेंज हो जाती है। यानी कि अगर हमें किसी इक्वेशन के रूट पता है और अगर उस रूट में एक जैसा चेंज करें तो जो नए रूट होंगे उसके हिसाब से नई इक्वेशन कैसी होनी चाहिए। अब जो अगर 2 डिग्री है तो जल्दी से हो जाएगा, लेकिन 2 से ज्यादा है तो उसके लिए एक फिक्स फॉर्मेट है कि उस फॉर्मेट का यूज करके हम नई क्वेश्चन बना सकते हैं। तो इस पूरे मेथड को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट। तो क्या है देख लेते हैं इसके बारे में। तो हेडिंग का नाम है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट। देखो इसमें क्या है, बड़ा सिंपल सा है। देखो लेट, मैंने एक क्वेश्चन लिया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है, और इसके जो रूट हैं दैट इज अल्फा एंड बीटा। अब मुझे क्या करना है, एक ऐसी क्वेश्चन बनानी है फॉर्म ए इक्वेशन हुज रूट्स आर क्या, अल्फा प्लस 2 एंड बीटा प्लस 2। अब क्या होगा, ध्यान से देखो। पहली बात तो ये है कि अगर इस इक्वेशन के रूट अल्फा बीटा है तो क्या आएगा बताओ। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, तो आ जाएगा आपका 5, और अल्फा बीटा क्या आएगा, दैट विल बी 6। नाउ अब जो नई क्वेश्चन है उसके सम ऑफ रूट कितने आएंगे, तो उसका सम ऑफ रूट जो आएगा वो आएगा दिस, और दैट विल बी अल्फा प्लस बीटा प्लस 4, दैट विल बी 9, और अल्फा प्लस 2 इंटू बीटा प्लस 2, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट, कितना आएगा 2 टाइम्स ऑफ अल्फा 2 टाइम्स ऑफ बीटा, और अल्फा बीटा प्लस 4 क्या जाएगा 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा प्लस 4, और ये क्या जाएगा 2 टाइम्स ऑफ कितना, दैट विल बी 5, और 6 4 टोटल विल बी 10 10 20। सो न्यू क्वेश्चन विल बी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट दैट विल बी 9 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट दैट विल बी 20। सो न्यू क्वेश्चन विल बी एक्स माइनस 9x प्लस 20, ठीक है, ये इसका आंसर है जो कि करेक्ट वे है, ठीक है। लेकिन हर बार ये सम ऑफ रूट निकालना प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना इतना आसान काम नहीं होता है, एक बात। दूसरी बात, हर बार आपको क्वाड्रेटिक नहीं मिलेगी बड़ी आसानी से आप कर लोगे, क्योंकि जैसे ही क्यूबिक आएगी तो 3 चीजें आ जाएंगी, सम ऑफ रूट, दो दो का प्रोडक्ट का सम, तीनों का प्रोडक्ट, तो थोड़ा काम आपका लेंथी होता चला जाएगा। यानी कि जितनी डिग्री की क्वेश्चन होगी उतनी ज्यादा आपकी कैलकुलेशन बढ़ती चली जाएगी। तो कुछ हम ऐसा क्यों ना करें कि ट्रांसफॉर्मेशन और रूट का लॉजिक इस्तेमाल करके इसको एक टर्म्स में आंसर निकालते हैं। थोड़ा ध्यान से देखो, अगर किसी क्वेश्चन की रूट का नेचर इस तरह से होगा तो मैं लेट कर लेता हूं कि वो जो क्वेश्चन है वो होगी वाई के टर्म्स में। तो जैसे अगर इसके रूट अल्फा और बीटा, हम क्या लिखते हैं एक्स बराबर अल्फा और एक्स बराबर बीटा, तो मैं मान लेता हूं जो क्वेश्चन बन के आएगी वो वाई के टर्म में बन के आएगी, तो उसके रूट कैसे होंगे, y इज इक्वल टू अल्फा प्लस 2 एंड y इज इक्वल टू बीटा प्लस 2। अब दोनों का नेचर सेम है तो किसी भी एक से कर लीजिए आप। तो इसके अकॉर्डिंग से मैं करता हूं, ध्यान से देखो यहां से अल्फा कितना आ जाएगा, तो अल्फा आ जाएगा y माइनस 2। अच्छा, अल्फा एक्चुअली में रूट किसका है, तो अल्फा एक्चुअली में रूट है इसका, और अगर अल्फा एक्चुअली में इसका रूट है तो अल्फा इसको क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, वाई माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 5y माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 माइनस 5y प्लस 10 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। फाइनली आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 9y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। अब कोई चीज अगर y में लिखी उसे x में लिख दो तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है 2 डिग्री एक्सप्रेशन है। अब आंसर जनरली आपको x मिलेगा तो इसको x में लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, ठीक है। तो ध्यान से देखो, बोथ द इक्वेशंस आर सेम। एक प्रोसीजर में क्या है, कैलकुलेशन है, और एक प्रोसीजर में क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट का फंडा लगाया। यानी कि जिस तरह का रूट का नेचर चाहिए है उसको आप मान लो कि वो किसी वाई के बराबर, अब एक्स के बराबर भी मान सकते थे लेकिन आपको कंफ्यूजन होता है इसलिए मैंने वाई के बराबर मान लिया, ठीक है। कई लोग इसको एक्स के बराबर मान लेते हैं तो अल्फा कितना जाएगा एक्स माइनस 2, वहां पर हम एक्स 2 इससे रिप्लेस कर देंगे, एक्स माइनस 2 से रिप्लेस कर देंगे। तो ये है बेसिकली ओवरऑल फंडा बिहाइंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट। हम कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं कैसे कैसे होते हैं, तो देखते हैं वो क्वेश्चन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट का यूज कर करके हम कैसे फटाफट आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। यहां पर मैंने एक क्वेश्चन लिया है कि इफ ए क्वेश्चन दिस हैव रूट अल्फा बीटा गामा देन फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा 1 बाय गामा।
अल्फा माइनस वन बीटा माइनस वन गामा माइनस वन, थ्री अल्फा माइनस टू थ्री बीटा माइनस टू थ्री गामा माइनस टू, तो हम किसी भी तरीके से इसका आंसर निकाल सकते थे, लेकिन अभी फिलहाल में यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट का तरीका इस्तेमाल करना चाहता हूँ, बड़ी जल्दी आंसर आएगा। ध्यान से देखो आप कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट में यहाँ पर देखो कि सिंपल सी बात है, मैं पहले क्वेश्चन की बात अगर करूं तो वाई को मैं मान लेता हूँ वन बाई अल्फा, तो जो अल्फा की वैल्यू आएगी वो आएगी वन बाई वाई, और अल्फा बेसिकली किसका रूट है इसका, तो अल्फा इसको क्या करना चाहिए सेटिस्फाई करना चाहिए, तो रिजल्ट क्या जाएगा तो वन बाई वाई क्यूब वन बाई वाई स्क्वायर और टू बाई वाई और थ्री, अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो आएगा थ्री वाई क्यूब प्लस टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, और इसका रिजल्ट बन गया थ्री एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, ये रिजल्ट बन गया। अब ध्यान से देखो, मैंने आपको पहले लेक्चर में आपको ये बताया था कि अगर कॉफिशियंट को उल्टा लिख दे, यानी कि थ्री एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन लिख दें तो ऑटोमेटिक इसके रूट जो हो जाएंगे वो वन बाई अल्फा वन बाई बीटा वन बाई गामा हो जाएंगे, वही चीज तो है। तो ये कंसेप्ट आया कहां से, तो एक तो मैंने तब तरीके दिखाया था और एक मैं आप बता रहा हूं कि एक्चुअली में क्या हो गया, वो रेसिप्रोकल बन गया, इसलिए कोफिशियंट सारे शिफ्ट रिवर्स वेड में हो गया, ठीक है। तो अगर किसी भी पॉलिनोमियल के सारे कोफिशियंट को हम रिवर्स मोड पर लिख दें तो ऑटोमेटिक इसके जो रूट होते हैं वो रेसिप्रोकल हो जाते हैं ओरिजिनल गिवन रूट्स के, ठीक है। दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरे पार्ट में आप देखिए क्या है कि y को हम क्या मान लें, अल्फा माइनस वन मान लें, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई दैट इज y प्लस वन, तो फिर इसको इसमें पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, तो y प्लस वन का क्यूब y प्लस वन का स्क्वायर टू वाई प्लस वन प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, क्या जाएगा y क्यूब, यहां से क्या जाएगा थ्री वाई स्क्वायर और माइनस का वाई स्क्वायर तो बन जाएगा टू वाई स्क्वायर, यहां से आ जाएगा थ्री वाई, यहां से आ जाएगा माइनस का टू वाई तो बन जाएगा वाई वाई प्लस दिस अगेन थ्री वाई, ठीक है। और यहां से आ जाएगा आपका वन, यहां से माइनस वन कैंसिल, यहां से टू थ्री फाइव, ये जो भी क्वेश्चन आएगी एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो, दिस विल बिकम ऑटोमेटिकली क्या, ये आपके ऑटोमेटिकली बन जाएगी एक ऐसी क्वेश्चन जिसके रूट कैसे होंगे अल्फा माइनस वन बीटा माइनस वन गामा माइनस वन, इसी तरीके से इसको लिखोगे क्या क्या रिप्लेस करना है बताओ, वाई इक्वल टू थ्री अल्फा माइनस टू तो क्या लिखेंगे वाई प्लस टू अपॉन थ्री इक्वल टू अल्फा, अल्फा को आगे करना है इसको रिप्लेस करना है, सिंपलीफाई कर देना आपका ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल लेता हूँ, थोड़ा सा यूनिक एग्जाम्पल है, देखते हैं क्या करना है। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया है कि अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब एक तरीका क्या है कि इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपको क्या यूज करना है, सम ऑफ रूट, दो दो के प्रोडक्ट का सम और तीनों के प्रोडक्ट का सम का इस्तेमाल करके इसका आंसर निकाल देना है, दैट इज वेरी लेंथी प्रोसेस। इससे थोड़ा ध्यान से नोटिस करो, आप ध्यान से देखो, अगर मैं दो मिनट के लिए इसको मान लू अल्फा डैश और इसको मान लू बीटा डैश, तो बगल में क्या लिखा है बीटा डैश गामा डैश और फिर गामा डैश अल्फा डैश, यानी कि अगर मैं कोई एक ऐसी क्वेश्चन बनाता हूं जिसके रूट ही कैसे हों अल्फा डैश बीटा डैश गामा डैश, तो ये क्या लिखा है एक तरह से उनके दो दो के प्रोडक्ट का सम लिखा हुआ है, यानी कि पहले मैं फोकस करूं एक ऐसी क्वेश्चन बनाने में जिसके रूट कैसे हों इस तरह के हों, तो मैं क्या करने वाला हूं, लेट आई हैव टू फाइंड इक्वेशन हूज रूट्स आर अल्फा प्लस वन अपॉन अल्फा माइनस टू बीटा प्लस वन अपॉन बीटा माइनस टू गामा प्लस वन अपॉन गामा माइनस टू, थोड़ी देर के लिए हमने इसको कैलेक्ट किया है अल्फा डैश बीटा डैश और गामा डैश, थोड़ा बार बार ना लिखना पड़े इसके लिए, ठीक है। तो क्या हुआ, हमने इसको कैलेक्ट कर लिया वाई इज इक्वल टू अल्फा प्लस वन अपॉन अल्फा माइनस टू, अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए क्या जाएगा अल्फा वाई टू वाई अल्फा प्लस वन अल्फा बाहर निकाल लो वाई माइनस वन वाई प्लस टू वाई, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी वन प्लस टू वाई अपॉन वाई माइनस वन, और अल्फा किसका रूट है तो अल्फा आपका इसका रूट है, ठीक है। और अल्फा का इसका रूट है इसको क्या करना चाहिए सेटिस्फाई करना चाहिए, हम क्या बोलेंगे यह जाएगा टू वाई प्लस वन अपॉन वाई माइनस वन का क्यूब टू टाइम्स ऑफ टू वाई प्लस वन अपॉन वाई माइनस वन का स्क्वायर टू वाई प्लस वन अपॉन वाई माइनस वन एंड वन इज इक्वल टू जीरो, इसको कर दिए सिंप्लीफाई तो क्या जाएगा टू वाई प्लस वन का होल क्यूब टू वाई प्लस वन इन टू वाई माइनस वन स्क्वायर टू वाई प्लस वन वाई माइनस वन का स्क्वायर और वाई माइनस वन का
क्यूब इज इक्वल टू 0। अब इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई, तो देखो सिंप्लीफाई कर क्या जाएगा, तो यहां से आएगा 8y³, ठीक है, और 12y² फिर क्या जाएगा, फिर आ जाएगा 6y, फिर आ जाएगा 1 माइनस यहां से क्या आ जाएगा 8y², यहां से आ जाएगा 8y-2, ठीक है, और y-1 यहां से क्या आ जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा, ठीक है, इससे क्या जाएगा 8y³, 12y² 6y+1, यहां से आ जाएगा 8y³ - 8y² + 2y + 8y² + 2, यहां से क्या जाएगा 2y³ - 4y² - 2y + y² - 2y + 1 y³ - 3y² - 3y - 1 = 0। करो सिंप्लीफाई, क्या आएगा 8y³ कैंसिल, ठीक है, और 8y² इससे होगा तो 4y² आएगा, ठीक है, और यहां से आपका ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और टोटल आ गया y³, ठीक है, ये रहा y³, यहां से कितना आ गया, यहां से आ गया 3y³ आ गया, ये भी इस्तेमाल हो गया, 8y² 9y² - 3y² तो आ जाएगा 6y², ठीक है, तो इसका भी इस्तेमाल हो गया और इसका भी इस्तेमाल हो गया, इसका भी इस्तेमाल हो गया, ठीक है, अब 6y और ये हो गया 8y, ये हो गया 16y, और 16y में 2y चले गए 14y, 14y में 3y जुड़ गए तो 17y, ठीक है, तो ये y भी इस्तेमाल हो गया पूरा, ठीक है जी, y भी पूरा इस्तेमाल हो गया, ठीक, फिर से देख लेते हैं 6y 2y 8y और 8 और 8 16 और 16 प्लस 2 हो गया आपका 18 माइनस 2 हो गया 16 और 16 प्लस 3 हो गया 19 ठीक है, और इसके बाद आपका 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया और यहां से टोटल आ जाएगा 2 3, टोटल 3 = 0। तो ये क्वेश्चन है, इसके रूट कौन कौन से हैं, इसके रूट हैं अल्फा डैश बीटा डैश गामा डैश। नाउ यहां से सम ऑफ रूट कितना आएगा, सम ऑफ रूट आएगा -6/3 और यहां से दो दो के प्रोडक्ट का रूट कितना आएगा, कितना आएगा, दैट इज 19/3। और बेटा यही तो हमारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, यही तो हमारा क्वेश्चन है, यानी कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो तो किसके बराबर आएगी, 19/3 के बराबर आएगी। तो हमने इस क्वेश्चन में किया क्या है, सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन में क्या किया है कि एक ऐसी इक्वेशन बना ली है जिसके रूट ऐसे होंगे और उसके बाद हमने क्या किया, उसके रूट अगर ऐसे हैं तो सीधे दो दो का प्रोडक्ट, यानी कि इसका प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट का सम डायरेक्टली हमें मिल जाएगा, दैट इज 19/3। अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो बात अलग है, बाकी कंसेप्ट पूरा यही है, ठीक है। तो ये टोटल आंसर हो गया आपका इसका 19/3। और भी वैरायटी देखते हैं, कभी कभी क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन बड़ा आसान सा लगता है लेकिन होता नहीं है, या रिवर्स में ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कैसे होता है वो भी हम देख लेते हैं कैसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन में देखो, यहां पर मैंने लिखा हुआ है कि इफ अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस, देन फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस नेचर, और मैंने ये भी पूछा है कि इसकी वैल्यू भी निकालना है, तो इसकी वैल्यू तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, यहां से निकालो सम ऑफ रूट, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू टू रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसको वैल्यू निकालो और कुछ ऐसा लॉजिक डेवलप करो कि अल्फा टू पावर 6, बीटा टू पावर 6, गामा टू पावर 6, उसके लॉजिक का इस्तेमाल करके आ जाए। लेकिन अगर आप ऐसा इक्वेशन में कन्वर्ट कर दोगे तो ये चीज थोड़ा निकालना क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। चलो मैं देखता हूं कैसे करना है इसको। तो आप ध्यान से देखो, पहली बात तो यह कि हम एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट इस तरह के हों, यानी कि हम वाई को क्या मानने वाले हैं, हम मानने वाले हैं α², ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, अगर वाई को हम α² मानने वाले हैं तो अल्फा कितना आएगा, दैट इज रूट वाई, ठीक है। तो अगर अल्फा रूट वाई आएगा तो इसको उठा के यहां पुट कर दो, तो क्या जाएगा, क्या जाएगा √y³ - 3√y² 2√y
माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। अब ये पॉलिनोमियल इक्वेशन तो है नहीं, क्योंकि जब तक ये पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी नहीं हम डायरेक्ट बोल ही नहीं पाएंगे कि इसके तीन रूट है, ये तो रूट फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए पहले इसको हम इसका रूट खत्म करेंगे। तो ये आया है आपका वाई रूट वाई माई प्लस टू रूट वाई इक्वल टू थ्री वाई प्लस वन। हमने क्या किया, जिसमें रूट अभी भी है उसको एक तरफ कर लिया, बाकी को एक तरफ कर लिया। अच्छा, रूट वाई को आप बाहर ले लीजिए, क्या जाएगा वाई प्लस टू इक्वल टू थ्री वाई प्लस वन। और अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए, क्या जाएगा वाई वाई प्लस टू का होल स्क्वायर थ्री वाई प्लस वन का होल स्क्वायर। तो क्या जाएगा, क्या जाएगा वाई क्यूब फोर वाई स्क्वायर फोर वाई नाइन वाई स्क्वायर सिक्स वाई वन। तो फाइनल रिजल्ट क्या जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा वाई क्यूब माइनस फाइव वाई स्क्वायर माइनस टू वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो क्या बोलेंगे, एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। ये जो इक्वेशन है, ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, कि इसके जो रूट है वो है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। तो हम यहां से क्या क्या निकाल सकते हैं, सम ऑफ रूट। तो सम ऑफ रूट क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, है ना, वो कितना आ जाएगा फाइव। इस तरह से हम निकाल सकते हैं अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। इसके वैल्यू क्या जाएगी, दो दो के प्रोडक्ट का सम कितना जाएगा माइनस टू, और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन के बराबर आ जाएगी। तो इससे हम ये निकाल सकते हैं। फिलहाल मुझे तो ये चीज निकालनी थी, तो इसके निकालने के लिए मुझे इसका क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा, तब मेरा रिजल्ट आ पाएगा। फिलहाल मैं अभी क्यूब नहीं कर रहा हूँ, अभी दूसरा पार्ट भी बाकी है। दूसरे पार्ट को आप ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं वाई को लेट कर देता हूँ अल्फा क्यूब। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, वाई की पावर वन बाई थ्री, अल्फा इसका क्या है रूट है, तो क्या जाएगा वाई टू दी पावर वन बाई थ्री की होल पावर थ्री, थ्री टाइम्स ऑफ वाई टू दी पावर वन बाई थ्री की होल पावर टू, टू टाइम्स ऑफ वाई टू दी पावर वन बाई थ्री, ठीक है, माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। ध्यान से देखो, जिसमें अभी भी इरेशनल पावर उसको अलग कर दो, बाकी को अलग कर दो, तो जो इरेशनल टर्म है, तो ये तो आ जाएगा वाई और ये आ जाएगा माइनस वाई, और उस तरफ जाएगा क्या बन जाएगा थ्री वाई टू दी पावर टू बाई थ्री एंड टू वाई टू दी पावर वन बाई थ्री, ये हो जाएगा। अब दोनों तरफ कर दीजिए क्यूब, तो क्या हो जाएगा वाई माइनस वन का क्यूब इज इक्वल टू, इसका क्यूब करते हैं तो ए माइनस बी का क्यूब क्या आएगा, ए क्यूब ट्वेंटी सेवन वाई, बी क्यूब तो एट वाई, ठीक है, और माइनस थ्री टाइम्स ऑफ थ्री इंटू टू इंटू वाई टू दी पावर टू बाई थ्री वाई टू दी पावर वन बाई थ्री ब्रैकेट में थ्री वाई टू दी पावर टू बाई थ्री टू वाई टू दी पावर वन बाई थ्री। अब ध्यान से देखो ये क्या हो जाएगा, वाई क्यूब माइनस थ्री वाई स्क्वायर थ्री वाई प्लस वन, यहां से क्या जाएगा ट्वेंटी सेवन वाई स्क्वायर माइनस एट वाई माइनस एटीन वाई, और इधर से क्या जाएगा तो इसकी जगह क्या जाएगा, तो इसकी जगह आ जाएगा आपका वाई माइनस वन, ठीक है। तो इससे फाइनल रिजल्ट निकाल लेते हैं, क्या क्या बनेगा, ये बनेगा वाई क्यूब, ठीक है, माइनस का थ्री वाई स्क्वायर और ये इसमें हो जाएगा माइनस का थर्टी और प्लस का एटीन, तो कितना हो जाएगा माइनस का ट्वेल्व वाई स्क्वायर, ठीक है, यहां से आ गया थ्री वाई और वहां से आ गया इलेवन, ठीक है, और इलेवन में आपका माइनस एटीन कर देंगे तो माइनस का सेवन वाई, ठीक है, और इसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा यहां से वन आएगा, वन आ जाएगा, ठीक है। तो इसके जो रूट है वो कौन से हैं, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब, ठीक है। अब ध्यान से एक नोटिस करने वाली बात देखो आपका, और क्या है, अल्फा की वहां से हो गई ट्वेल्व, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, ठीक है, और अल्फा क्यूब गामा क्यूब और बीटा क्यूब गामा क्यूब की जो वैल्यू कितनी हो गई, वो गई माइनस सात, और अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब की वैल्यू कितनी हो गई, दैट विल बी माइनस प्लस माइनस, दैट इज माइनस वन, है ना। तो हम यहाँ से अल्फा बीटा गामा की वैल्यू डायरेक्ट माइनस वन बोल सकते हैं, माइनस वन ही आएगी ना, अल्फा बीटा गामा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी कितनी, प्लस वन, प्लस वन आ रही है यहां से, माइनस वन कैसे आ रही है, कुछ गड़बड़ है, चलो देखते हैं क्या गड़बड़ है। ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक। अब इसको देखो, हमसे क्या पूछा गया है, अल्फा टू पावर सिक्स बीटा टू पावर सिक्स, ये जल्दी आ जाएगा, कैसे,
अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब का होल स्क्वायर विल बी कितना, अल्फा की पावर 6, बीटा की पावर 6, गामा की पावर 6 प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, बीटा क्यूब गामा क्यूब, गामा क्यूब अल्फा क्यूब। तो इसकी वैल्यू कितनी है, तो इसकी वैल्यू है 12 का स्क्वायर। यह है क्वेश्चन, यह है ट्वाइस ऑफ, इसकी वैल्यू कितनी है माइनस का 7। तो क्वेश्चन की वैल्यू कितनी आएगी, 144 प्लस 14 इट विल बी 851 158। यानी कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो 158 आएगी, डायरेक्ट भी निकल सकती थी, इस तरह से हमने निकाली है। हम इधर से भी निकाल सकते थे, इसका क्यूब कर देंगे तो भी रिजल्ट आ जाएगा, या हम वाली आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, तीन वेरिएबल में क्यूब में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। हम वाली प्रॉपर्टी यूज करके भी यहां से भी आंसर निकाल सकते हैं। फिलहाल मेरा ये आंसर निकालने फोकस नहीं था, मेरा फोकस ये था कि अगर इस तरह कोई सिचुएशन आती है तो जो आपकी इरेशनल टर्म आ रहे हैं ना उसको एलिमिनेट करने के लिए स्क्वायर क्यूब जो भी आपको करना पड़े उसका भी ध्यान आप रखो, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन रूट है और इस तरह का थोड़ा सा हमें रिजल्ट पता होना चाहिए, ठीक है। देखते हैं और क्या क्वेश्चन हो सकते हैं उसको भी देख। यहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन लिया है कि अल्फा बीटा अगर इस इक्वेशन के रूट हैं तो मुझे ये बताना है कि इस इक्वेशन के जो रूट हैं वो कैसे होंगे। मेरे पास कुछ ऑप्शन है, मुझे बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट। ये इस बार उल्टा क्वेश्चन है, अभी अभी तक हम लोग क्या बताया जा रहा था कि अगर ऐसे रूट है तो इक्वेशन क्या आएगी, अभी हम बता दिए अगर ऐसी इक्वेशन है तो उसके रूट कैसे आएंगे। तो एकदम बेसिक तरीका लगा सकते हैं जो हमने शुरू में पढ़ा था, लेकिन अब वो हम वैसे तरीके नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट ऑब्जर्व कर देंगे। ध्यान से देखो, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के जो रूट हैं वो अल्फा और बीटा हैं, है ना, यानी कि यहां पर जो एक्स की वैल्यू है वो अल्फा है या बीटा है। इसी तरीके से आप ध्यान से देखो, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स एक्स माइनस वन सी एक्स माइनस वन के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करो, इसको लिख सकते हैं हम ए एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वन स्क्वायर बी एक्स अपॉन एक्स माइनस वन सी। और अगर इसको मैं इससे मैच कराऊं तो बीच में होना चाहिए प्लस, तो ध्यान से देखो क्या लिखा है, ये एक्स अपॉन वन माइनस एक्स का स्क्वायर लिखा है, ये लिखा हुआ है एक्स अपॉन वन माइनस एक्स, ये लिखा है सी। और ध्यान से देखो हमने किया क्या है, अगर इसके रूट अल्फा और बीटा हैं तो एक्स की जगह अल्फा रख रहा है, लेकिन मैंने यहां एक्स की जगह क्या रखा है, ये है ना, इसका मतलब जो अल्फा की वैल्यू है वो एक्स अपॉन वन माइनस एक्स के बराबर है। फिर से सुनो, इसके रूट अल्फा और बीटा हैं इसलिए मैंने एक्स को अल्फा बीटा के बराबर रखा है, लेकिन यहां एक्स की जगह मैंने क्या रिप्लेस किया है, एक्स अपॉन वन माइनस एक्स, तभी तो ये क्वेश्चन इसमें कन्वर्ट हो गई। इसका मतलब एक्स अपॉन वन माइनस एक्स अल्फा के बराबर है। तो मुझे बताओ यहां पर एक्स कितना होगा, यहां पर एक्स कितना होगा, सिंप्लीफाई करो, अल्फा अल्फा एक्स एक्स अल्फा अल्फा प्लस वन एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, अल्फा अपॉन अल्फा प्लस वन। और किसी भी क्वेश्चन में एक्स की जो वैल्यू होती है वही तो उसका रूट होता है, इसका मतलब जो इसका रूट है वो किस नेचर का है, अल्फा अपॉन अल्फा प्लस वन है। तो दूसरा रूट कैसा होगा, बीटा अपॉन बीटा प्लस वन टाइप का होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। एक मैं लास्ट एग्जाम्पल और लेता हूँ वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन का, उसको भी देख लेते हैं, उसके बाद खत्म करते हैं, ठीक। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया है, आप ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है कि इसके जो रूट है वो अल्फा वन और बीटा वन है, और जो इस इक्वेशन के रूट है वो है अल्फा टू और बीटा टू, ठीक है। तो और ये भी कहा गया है कि अल्फा वन अल्फा टू का जो प्रोडक्ट है और बीटा वन बीटा टू का जो प्रोडक्ट है वो वन के बराबर है। तो पूछा गया है कि नीचे लिखी हुई कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, वो डी हो गया। अब ध्यान से देखो कि अगर इस इक्वेशन के रूट अल्फा वन और बीटा वन है और इस इक्वेशन के रूट अल्फा टू और बीटा टू है, तो पहली बात तो ये देखो कि ए वन एक्स स्क्वायर बी वन एक्स सी वन के जो रूट है वो है अल्फा वन और बीटा वन। और दूसरी बात यह है कि इसके जो इक्वेशन के रूट हैं वो रूट है अल्फा टू और बीटा टू। एक्चुअली में अल्फा टू इज नथिंग बट वन बाई अल्फा वन और वन बाई बीटा वन, कहां से, यूजिंग दिस कंसेप्ट कि अल्फा टू की वैल्यू वन बाई अल्फा वन आ जाएगा, ठीक है। और अगर किसी क्वेश्चन के रूट रेसिप्रोकल हो,
ठीक है, यानी कि अगर इसके रूट अगर 1 बाय अल्फा 1 1 बाय बीटा 1 है इसके, तो जो इक्वेशन बनेगी सी टू एक्स स्क्वायर बी टू एक्स प्लस ए टू, यानी कि कोफिशियंट को पलट के लिख दें तो जो उसके रूट हो जाएंगे वो जाएंगे अल्फा 1 और बीटा 1, ठीक है। और ध्यान से देखो, ये जो इक्वेशन है और ये जो इक्वेशन है दोनों के रूट क्या है, सेम है। और अगर सेम है तो दोनों इक्वेशन भी क्या होने चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो क्या हो गया, ए वन एक्स स्क्वायर बी वन एक्स प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो एंड सी टू एक्स स्क्वायर बी टू एक्स प्लस ए टू दोनों क्या है, सेम है। और सेम है तो क्या बोलेंगे, ए वन अपॉन सी टू इज सेम है बी वन अपॉन बी टू इज सेम है सी वन अपॉन ए टू, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो हमारा ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। यहां पर मैंने कंसेप्ट क्या यूज किया है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट का इस्तेमाल किया है। क्या कि अगर मुझे पता था इसके रूट अल्फा टू बीटा टू है और यहां से दे रखा है कि अल्फा टू जो है वन बाय अल्फा वन के बराबर है, बीटा टू वन बाय बीटा वन के बराबर है, तो ये हो गया। अगर इसके रूट इस तरह के हैं तो पलटने से क्या हो जाएगा, इक्वेशन उल्टी लिख देंगे। तो हमने उसके इक्वेशन लिख दी। अब क्योंकि ये रूट क्या है, सेम है, तो ये दोनों इक्वेशन भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। और सेम होने के लिए क्या होता है, कोएफिशिएंट का रेशियो मस्ट बी सेम, क्योंकि कोई भी दो इक्वेशन अगर सेम होती हैं तो उसके ईच एंड एवरी कोएफिशिएंट शुड बी सेम। अगर ऐसा नहीं तो उसका रेशियो सेम होना चाहिए, ठीक है, तब भी वो बराबर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये लॉजिक था आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट का। नेक्स्ट लॉजिक हम लिख लेते हैं फैक्टर लॉजिक। फैक्टर लॉजिक का इस्तेमाल करके क्वेश्चन को कैसे हम इजिली तोड़ सकते हैं उसको भी हम देखें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैक्टर लॉजिक। अरे फैक्टर लॉजिक क्या चीज का नाम है, पहले इसको समझ लो ध्यान से। अगर मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, तो इसके दो फैक्टर आएंगे एक्स माइनस टू और एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। सिमिलरली अगर लिख रहा हूँ टू एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो, तो इसके भी सेम ही वैल्यू आएगी। कैसे, टू बाहर ले लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, तो आ जाएगा टू एक्स माइनस टू एन एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। अगर रूट की बात करो तो रूट दोनों का ही सेम आएगा, एक्स इक्वल टू टू एन एक्स इक्वल टू थ्री। लेकिन इस एक्सप्रेशन को जो फैक्टर करने का तरीका है वो ये है, और इस एक्सप्रेशन को जो फैक्टर करने का तरीका है वो ये है, यानी कि यहां पर एक आया टू, तो रूट सेम है तो फैक्टर भी सेम बनेगा, बट ये एक टर्म एक्स्ट्रा आया है जो कि एक्स स्क्वायर पर लीडिंग कोएफिशिएंट है। तो हमेशा हम ये देखना है कि किसी भी पॉलीनोमियल में जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो फैक्टर में इंडिविजुअली अलग से बाहर आएगा। जैसे अगर मैं ये कह रहा हूं क्या, इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो हम क्या बोलेंगे, हम इस एक्सप्रेशन को क्या लिख सकते हैं, इसको हम इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, जो कि गलत है। अगर लीडिंग कोएफिशिएंट के आगे ए है तो हमें यहाँ पे ए लिखना पड़ेगा, और इससे बहुत क्वेश्चन में गड़बड़ी होती है। सिमिलरली अगर हम बोल रहे हैं ए अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, तो हम इस एक्सप्रेशन को क्या लिख सकते हैं, इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं फैक्टराइज फॉर्म में क्या, ए टाइम्स ऑफ एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा, यानी लीडिंग कोएफिशिएंट का मुझे स्पेशली ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसका यूज कैसे करना है, इससे क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो कभी भी किसी क्वेश्चन में फैक्टर के फॉर्म में अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब आप लग रहा है कि वो फैक्टर जैसा दिख रहा है, तो आपको वहां पर फैक्टर लॉजिक का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। मैं एक सिंपल से एग्जांपल देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहां मैंने एक क्वेश्चन लिया है, इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस, ठीक है दिस, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस 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 दिस। अब ये कैसे करते हैं, बड़ा सिंपल का फंडा है। देखो एक तरीका तो ये कि हम इसी क्वेश्चन को एक ऐसी क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दें जिसके रूट हो जाए अल्फा माइनस वन बीटा माइनस वन गामा माइनस वन, और उसके बाद उस इक्वेशन के हम प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाले तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि हम इसको सिंप्लीफाई कर दें, सम ऑफ रूट, दो दो के प्रोडक्ट का सम, प्रोडक्ट ऑफ रूट, इसकी वैल्यू पुट करें तो आंसर आ जाएगा। और उससे भी आसान तरीका है फैक्टर लॉजिक, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, बड़ा सिंपल तरीका है। पहले तुम्हें ये बताओ, अगर अल्फा बीटा गामा इसके रूट है तो हम ये जरूर बोल सकते हैं कि ये जो चीज है ये, इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, थ्री एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू क्या, थ्री टाइम्स ऑफ एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि इसकी जो रूट है वो अल्फा बीटा गामा है, तो एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा का फैक्टर आएगा, और थ्री बार इसलिए आया वो लीडिंग कोएफिशिएंट है।
अब देखो इसका यूज क्या करना है, आप इसको और इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो। अगर मैं यहाँ एक्स जगह वन पुट कर दू तो यह आ जाएगा वन माइनस अल्फा, वन माइनस बीटा, वन माइनस गामा, यही तो हमें चाहिए यहां से। तो हम क्या करेंगे, अब ध्यान से देखो, एक्स जगह वन पुट कर दो क्या जाएगा, थ्री वन क्यूब टू वन स्क्वायर, वन प्लस वन इज इक्वल टू थ्री टाइम्स ऑफ वन माइनस अल्फा, वन माइनस बीटा, वन माइनस गामा, ठीक है। और रिजल्ट क्या जाएगा, यहां से जाएगा थ्री माइनस दो प्लस एक इज इक्वल टू थ्री टाइम्स ऑफ अल्फा माइनस वन, बीटा माइनस वन, गामा माइनस वन का माइनस टाइम्स। तो ये क्या जाएगा, इसको इसमें डिवाइड कर दो क्या जाएगा, माइनस वन इज इक्वल टू अल्फा माइनस वन, बीटा माइनस वन, गामा माइनस वन, ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरीके से दूसरी चीज देखो यहां पर कि इसको एक थोड़ा ध्यान से देखो, ये टर्म जीरो कब होगा, जब अल्फा की वैल्यू वन रखेंगे, अल्फा तो इसका रूट है ना, तो बस उसी लॉजिक का आप इस्तेमाल कर लो। ये चीज कब जीरो होगी, जब अल्फा की वैल्यू माइनस टू रखूंगा, तो इसी क्वेश्चन आप एक्स जगह पुट कर दो, एक्स जगह पुट कर दो माइनस टू, बताओ क्या आएगा, क्या जाएगा थ्री इंटू माइनस एट, यह आ जाएगा माइनस टू इंटू चार, और यह आ जाएगा माइनस टू, यह जाएगा प्लस वन, तो थ्री माइनस टू माइनस अल्फा माइनस टू माइनस बीटा माइनस टू माइनस गामा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा माइनस ट्वेंटी फोर माइनस एट माइनस टू प्लस वन, थ्री टाइम्स ऑफ टू प्लस अल्फा, टू प्लस बीटा, टू प्लस गामा, सबसे माइनस बाहर ले लो। तो क्या आया, आप ध्यान से देखो, ये आया माइनस के थर्टी टू, माइनस का थर्टी फोर प्लस ए, तो माइनस का थर्टी थ्री माइनस का थ्री, अल्फा प्लस टू, बीटा प्लस टू, गामा प्लस टू, तो कितना आ गया इलेवन, अल्फा प्लस टू, बीटा प्लस टू, गामा प्लस टू, तो ये वैल्यू आ गई इसकी इलेवन, पार्ट टू की वैल्यू। इसी तरीके से आप ध्यान से देखो, इसके दो फैक्टर है अल्फा माइनस टू और अल्फा प्लस टू, यानी कि एक बार एक्स वैल्यू टू पुट करनी है और एक बार एक्स वैल्यू माइनस टू पुट करनी है, दोनों फैक्टर को प्रोडक्ट कर दो, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। और ये पार्ट आपके लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, आप सोचिएगा इसको कैसे करना है, ये आपके लिए मैं छोड़ देता हूं, और जो अगला लेक्चर होगा पहले मैं इस क्वेश्चन को करूंगा, देन फिर मैं आगे बढ़ूंगा, जो कि हमारा अगला लॉजिक होगा, लोकेशन ऑफ रूट या पोजिशन ऑफ रूट या ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम्स, ठीक है। थैंक यू।